नमस्कार, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ जिसको कारको भावाय नाशाय बोलते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कई पुस्तकों में भिन्न प्रकार की बातें कही गई हैं। कई पुस्तकों में कहा गया है कि यदि किसी भाव का कारक अपने ही भाव में बैठ जाए तो उस भाव की हानि करता है, पर कई पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि यदि किसी भाव का कारक अपने भाव में बैठे तो अपने भाव की वह हानि नहीं, उस भाव की वृद्धि करता है। तो ऐसे में यह लाजमी है कि हमारे मन में कोई ना कोई कन्फ्यूजन तो उठेगी ही जब हम एक ही टॉपिक को अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। तो सच्चाई क्या है, ये किस प्रकार से लगता है, इसको जानने के लिए मैंने कुछ चार्ट्स का अध्ययन किया और उसके बाद मुझे होरा शतक नाम की जब पुस्तक मिली तो वहाँ पर मुझे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के ऊपर मेरे माइंड में क्लैरिटी आई। तो फिर मैंने जब उसको एक नए नज़रिए से लगाया तो मैंने ये पाया कि वाकई में ये इसी प्रकार से काम करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना के इस कॉन्सेप्ट की जो प्रैक्टिकल जो यूज़ है उसे आपके साथ शेयर किया जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, प्रोत्साहित कीजिएगा और इसे शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए, यदि किसी भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठा है और वह उस भाव का कारक भी है तो ऐसे में वह या तो उस भाव की बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा या उस भाव का नुकसान करेगा। वह किन परिस्थितियों में अपने भाव की हानि करता है? यह वह परिस्थितियां होती हैं यदि उस भाव को कोई अशुभ ग्रह दृष्टि देते हों या उस भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसे में भाव, भाव का स्वामी और कारक तीनों के तीनों पीड़ित हो जाते हैं। और यदि उस भाव को शुभ ग्रह दृष्टि देते हों तो ऐसे में वह भाव, उस भाव का स्वामी और उस भाव का कारक तीनों के तीनों बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो आइए इसको मैं आपको कुछ चार्ट्स में लगाकर बताती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को आप किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो पहला चार्ट है ये एक जातक का है जिन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखाई थी, जिनका जो वैवाहिक जीवन है काफ़ी परेशानी से गुजर रहा है और काफ़ी पीड़ित है। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, ये एक वृश्चिक लग्न का चार्ट है और यहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र बैठा हुआ है अपनी ही राशि का, और शुक्र हम सभी जानते हैं कि वह सप्तम भाव का कारक भी है। तो ऐसे परिस्थिति में तो इसे अपने भाव की वृद्धि करनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर मंगल, जो कि लग्नेश भी है और छठे भाव का भी स्वामी है और एक अशुभ ग्रह है, और सूर्य जो कि दसवें भाव का स्वामी है और एक क्रूर ग्रह है, दो ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव है जो कि यहाँ पर शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं। इसके अलावा पंचम भाव में शनि जो कि राहु के साथ युक्त है वह भी अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है। तो ऐसे में सप्तम भाव का स्वामी और कारक तीनों के तीनों पीड़ित हो रहे हैं और इस जातक को अपने वैवाहिक जीवन में कुछ भी अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। यही जातक, इन्होंने अपना एक व्यवसाय भी शुरू किया और वह भी इनका व्यवसाय नहीं चल पाया। इसका कारण केवल यही है जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, मंगल, सूर्य और शनि तीन ग्रह इस भाव को पीड़ित कर रहे हैं। तो आइए अब आपको एक और उदाहरण देती हूँ। अब ये जो केस है, यहाँ पर पंचम भाव में गुरु की राशि है और गुरु अपनी ही राशि में बैठा है और पंचम भाव का कारक भी है। यहाँ पर यह एक शुभ ग्रह शुक्र से दृष्ट है, तो ऐसे में इस जातक को बहुत सी संतानें हो सकती हैं और इस जातक को संतान सुख काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। पर यही गुरु यदि पीड़ित होता तो ऐसे में इस जातक को शायद संतान भी ना होती। पर यदि आपको एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप संतान के बारे में अध्ययन करते हैं तो आप ये पंचम भाव में भाव, भावेश और कारक तीनों का अध्ययन तो करते ही हैं, इसके साथ में आप नवें भाव को भी देखिए, क्योंकि नवा भाव भी पंचम का पंचम होता है और गुरु की ही अध्यक्षता में आता है। तो ऐसे में यदि आपका पंचम भाव पीड़ित है तो आपको
नवे भाव की भी स्ट्रेंथ को देख लेना है। यदि आपका नवा भाव बली है तो ऐसे में भी संतान हो सकती है, तो आपको इन चीज़ों को भी अपने मद्देनज़र रखना है। तो आइए अब मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। देखिए, इस कुंडली में जो मंगल है अपनी ही राशि में बैठा है और तीसरे भाव का स्वामी है और छोटे भाई बहनों का कारक भी है। तो यहाँ पर तीसरे भाव में मंगल के बैठने का मतलब है इस भाव को बल मिलना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक पापी ग्रह केतु इस भाव को पीड़ा पहुँचा रहा है और यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और शनि जो कि एक पापी ग्रह है पर यहाँ पर उच्च का होने पर अपनी एक उच्च दृष्टि दे रहा है, पर इसके बावजूद भी इस जातक को तीसरे भाव में हानि ही होने वाली है। इसका कारण यह है कि देखिए, केतु के साथ यहाँ युति की वजह से जो मंगल है यहाँ पीड़ित हो रहा है, तो मंगल के पीड़ित होने से तीसरा भाव, तीसरे भाव का स्वामी और कारक तीनों के तीनों पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, एक बात और बताना चाहूँगी, यदि आपके तीसरे भाव में ज़्यादा ग्रह हैं और तीसरे भाव को बलवान बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका नवम भाव जो है वह कमज़ोर हो जाता है। और यदि आपका नवम भाव कमज़ोर होगा और तीसरा भाव ज़्यादा ग्रहों की युति की वजह से बली होता है, तो ऐसे में भी भाग्य जो है वहाँ थोड़ा विलंब हो जाता है, भाग्य में थोड़ी कमी आ जाती है। तो तीसरे भाव का बहुत ज़्यादा बली होना, खास तौर पे पापी ग्रहों की वजह से, यहाँ पर नवे भाव के लिए काफ़ी अशुभ माना जाता है। तो इस परिस्थिति में इस जातक की कम्युनिकेशन तो अच्छी होगी, परंतु इसके छोटे भाई बहनों के सुख में इसको कमी आ जाएगी। अब यही ग्रह यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट होता तो इसको तीसरे भाव के बहुत अच्छे परिणाम मिलते। तो आइए अब हम एक और चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में जो मंगल है वह छठे भाव का कारक भी है और छठे भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे में इसका छठा भाव तो बहुत बलवान होना चाहिए था, मगर यहाँ पर यह राहु के साथ पीड़ित हो रहा है। तो मित्रों, फल दीपिका के अनुसार यदि छठे भाव में और बारहवें भाव में उनके स्वामी बैठे हैं और यदि वह किसी पापी ग्रह से दृष्ट हैं, तो ऐसे में छठे और बारहवें भाव से आने वाले जो भी अशुभ फल हैं उनकी कमी करते हैं और आपको धन लाभ देते हैं। तो इस परिस्थिति में इस जातक का जो छठा भाव है, जो कि रोग ऋण शत्रु का होता है, तो उन सभी चीज़ों में खात्मा होगा और इसको धन और जो है फेम, ये सब चीज़ों में वृद्धि होगी। इनके लिए यहाँ पर ये अशुभ ग्रह का बैठना बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। तो ये मैं इसलिए दे रही हूँ उदाहरण, क्योंकि देखिए, हम शुभ ग्रहों में तो देखेंगे कि पापी ग्रह शुभ ग्रहों, शुभ भावों को ख़राब करते हैं, पर जो अशुभ भाव होते हैं जैसे छठा भाव, तो ऐसे भाव में उन भावों के कारक यदि पापी ग्रहों से पीड़ित हैं तो अपने भाव की वृद्धि करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये जो कॉन्सेप्ट है विपरीत तरह से हम देखेंगे छठे और बारहवें भाव के लिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी।